खरगोन जिले में सोयाबीन के तेल से भरा टैंकर पलट गया, जिसमें हजारों लीटर तेल बर्बाद हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हम आपको बता दें कि गुजरात से दो टैंकर सोयाबीन तेल भरकर खंडवा जा रहे थे। इसी समय पूर्णानंद बाबा के मंदिर के समीप सड़क पर गाय बचाने के चक्कर में एक टैंकर पलट गया और सारा तेल रोड पर पानी की तरह बह निकला। इस दौरान वाहन चालक ने बताया कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 6:30 बजे की बात है। क्या हुआ, कैसे हुआ ये? गाय आ गई थी सामने, उसको बचाने के चक्कर में इधर गाड़ी लेके निकल रहा था, वो पलटी खा गई। झोल खा गई मतलब? हाँ वही झोल। कहाँ से आ रहे थे आप? ये गुजरात से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ये खंडवा। कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? लगभग तो लाखों का हुआ है, लाखों का नुकसान। अरे लाखों का क्या, करोड़ों का नुकसान है। तेल ही तेल उसका। कितने बजे की बात है? सुबह कितने बजे? वही 6:30 बजे। और भी आ रहे थे पीछे डंपर? और भी आ रही थी, दो गाड़ियाँ थी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सत्तार। कहाँ रहते हो? ये अपना यूपी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।